कश्मीर के राजौरी सेक्टर में शहीद हुए हमीरपुर जिला के वीर सपूत रोहिन ठाकुर की शहादत की खबर मिलने के बाद गांव में मातम का माहौल है और लोगों में पाकिस्तान के प्रति खासा आक्रोश है। शहीद की नवंबर माह में शादी तय थी, घर पर परिवारजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। इस बीच इस खबर ने खुशी के माहौल को मातम में तब्दील कर दिया। हमीरपुर जिला के वीर सपूत रोहिन ठाकुर की शहादत के बाद उनके पैतृक गांव में मातम का माहौल है और पाकिस्तान के प्रति लोगों में खासा आक्रोश है। रोहिन ठाकुर के पिता बलबीर का कहना है कि उनके बेटे का बचपन से ही सेना में जाने का सपना था। उन्हें गर्व है कि वे देश के काम आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनका एक और बेटा होता तो वे उसे भी सेना में देश की सेवा के लिए भेजते। देश के काम आए और मुझे इस पर गर्व है। बचपन से आपके बेटे का जैसा हमने सुना रुझान था कि सेना में जाना है। हाँ जी, बचपन का इसका नाम था, फिर मैंने सेना में ही जाना है। हाँ जी, अभी उनकी बटालियन से जो यहाँ पे आपके वहाँ से हैं वो बता रहे थे कि खुद मतलब किसी और को हटा के खुद फायर पे बैठे कि मैं करूँगा और देश के लिए, हमारे जिला के लिए, सबके लिए गर्व की बात है। गलोड़ खास पंचायत के पूर्व सरपंच अनिल वर्मा का कहना है कि नवंबर माह में रोहिन की शादी थी और फरवरी महीने में वो घर आए थे। उन्होंने कहा कि अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, लगातार देश के जवान शहीद हो रहे हैं। क्या कहेंगे, इतना बड़ा नुकसान परिवार का हुआ है, माँ का हुआ है, बेटे का हुआ है, गांव का हुआ है, प्रदेश का हुआ है, देश का हुआ है। मेरा कहना तो ये है कि ये दौर कब तक चलता रहेगा, ये सरकार कब आर पार की लड़ाई लड़ने की बात करती है, कब लड़ेगी ये, ताकि इस देश के, इस गांव के, इस प्रदेश के बच्चे जो हैं उनकी शहादतें ना हो। अब इस बच्चे को मैं बचपन से देखता था कि इसने सुबह तैयार होकर सड़क के ऊपर मिलना या प्ले ग्राउंड में मिलना, और इसका एक टारगेट था कि मैंने आर्मी में जाना है और आर्मी में ये गया। अभी फरवरी में छुट्टी काट के गया, नवंबर में इसकी मैरिज फिक्स करी हुई थी अपने हमीरपुर के साथ ही गांव में है, तो रात जो उसकी दादी माँ थी वो बड़ी खुशी खुशी सारे गांव में निमंत्रण दे रही थी, आधे पौने गांव को निमंत्रण दे दिए, सारा मटेरियल सारा तैयार है, बाकी आज इन्होंने संपूर्ण करना था सारा। तो ये देश के लिए जो शहादत हुई है ये यकीनन माँ बाप के लिए गौरव की बात है। ऐसे बेटे सब माँ बाप को मिले हैं, वो निश्चित तौर से एक बहुत ही होनहार और सुशील बच्चा था, मतलब जिसको सिर्फ माँ बाप ही नहीं सारा गांव, सारा इलाका उसको याद करता रहेगा, बाकी वतन भी याद करेगा। लेकिन मेरा एक ही कहना है कि आने वाले वक्त में सरकार को इसके ऊपर, पहले अंकुश वाला हुआ, अब ये हुआ, कोई महीना खाली नहीं जाता है कि हमीरपुर से, हिमाचल से, जहाँ अपने नॉर्थ से मेनली राजस्थान, हरियाणा, J&K, उत्तरांचल वगैरह से कोई बच्चा जो है वो शहादत के लिए पूरा नहीं होता है। तो ये एक किस्म का जो शांति प्रयास है, शांति प्रयास नहीं चाहिए, बदले का बदला चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक तरफ रोहिन ठाकुर की शादी की तैयारियां चल रही थी, वहीं दूसरी ओर उनकी शहादत की खबर आ गई। बीती रात को ही रोहिन की दादी ने पोते की शादी के लिए गांव वालों को निमंत्रण देने के लिए मिष्ठान बनाए थे। शनिवार सुबह ये मिष्ठान गांव भर में बांटे जाने थे, लेकिन सुबह 7 बजे ही ये खबर सेना की तरफ से परिवार वालों को मिली, जिसके बाद शहीद की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।